आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार। ये वो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर के विधानसभा का समीकरण बताने के लिए और विधानसभा का रिजल्ट बताने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं। उसी कड़ी में आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में। बाराबंकी पूरब का प्रवेश द्वार कहा जाता है और बाराबंकी में 5 प्रमुख विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 4 पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी और 1 पर समाजवादी पार्टी। मैं इस वक्त हैदरगढ़ सीट पर हूँ। हैदरगढ़ विधानसभा सीट वो जो एक लंबे समय से जहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी यहाँ से जीतती रही है, कभी कभी समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमखम यहाँ दिखाया और कहा जाता है कि इस बार का ये जो चुनाव है हैदरगढ़ के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि मौजूदा समीकरण कह रहा है कि इस बार बीजेपी नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समीकरण कह रहा है। बाराबंकी जो बेनी बाबू थे, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, कद्दावर नेता, यहाँ पर उनका दबदबा हमेशा रहा, लेकिन उनके खत्म हो जाने के बाद, उनके देहांत हो जाने के बाद यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है वो बहुत बदला है। हालांकि राजधानी से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे बाराबंकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ बैठते हैं और बाराबंकी से ज्यादातर जो जनता है वो राजधानी लखनऊ पर आवागमन करती है। कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई कुछ और करता है और कुछ लोग अपनी फरियाद लेकर भी नेताओं के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री भी लखनऊ बैठते हैं, वहां भी पहुंचते हैं और आजकल तो चुनाव है तो चुनाव में कुछ लोग टिकट वाला मामला लेकर भी पहुंच रहे हैं कि भैया इस बार प्रत्याशी बना दो। यहाँ से भी 3-4 तो प्रमुख नाम ऐसे हैं जो इस बार चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं और उम्मीद है उनको कि इस बार कृपा बरस जाएगी, टिकट मिल जाएगा। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर बाराबंकी की हैदरगढ़ की ये जो सीट है और बाराबंकी जो है यहाँ का समीकरण क्या है, किसानों की समस्याओं का निवारण हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जो किसान है वो सह फसली खेती करते हैं, नकदी फसलों की खेती करी जाती है, राजधानी से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर बिजली की समस्या नहीं होती है, पानी की समस्या यहाँ पर नहीं होती है, तो किसान खुशहाल है या नहीं है। राजधानी से जुड़ा हुआ जिला है तो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बाकी चीजों का स्तर कैसा है, ये जानेंगे, ये समझेंगे, ये कोशिश करते हैं समझने की कि इस बार का ये चुनाव बाराबंकी के लिए और बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट के लिए कैसा होगा। आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश या फिर देश में कहीं भी राजनीतिक मामला समझना हो, जानना हो, तो चाय की दुकान से उसको समझना बहुत जरूरी है और मैं जहां पर मौजूद हूं सामने एक चाय की दुकान है, काफी लोग बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि चाय की दुकान से ही राजनीति पर चर्चा होती है, सारा दिन बैठे बैठे लोग यहां बतियाया करते हैं, सुबह होते ही शाम होते ही कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बैठेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। वैसा बैठ लूं, मैं लखनऊ से आया हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार यहां का समीकरण क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव भी काफी ताकत से इस बार आगे आए हैं, योगी जी बता रहे हैं 4.5-5 साल में क्या कर दिया, सारे नेता मंत्री बता रहे हैं, कांग्रेस भी बेहतरी से आगे बढ़ी हुई है, बसपा का अलग अपना मामला है, बहन जी कह रही है कि इस बार हम सरकार बना लेंगे, लेकिन जनता का मूड जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले चाचा तो आपसे मैं पूछूंगा, नाम क्या है आपका और क्या करते हैं? परशुराम यादव। क्या करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपसे तो बात बाद में करेंगे क्योंकि भाई आप नेता आदमी है, अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकीम अहमद। क्या करते हैं साहब? गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी है। तो यही बैठते हैं आप सब लोग रोज? हाँ, ज्यादातर। तो चर्चा भी होती होगी चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। माहौल है इस बार क्योंकि बाराबंकी वो जगह है जहाँ पर नकदी फसलों की खेती होती है, किसान खुशहाल है, किसानों की समस्या का निवारण हुआ?
हाँ खुशहाल तो बहुत है, रात भर जो है किसान लाठी लेके गाय बैल भैंस यही सब खेतता रहता है पूरी रात। और सुबह जब घर आता है तो सिलेंडर पता चलता है 1000 रुपए का हो गया है। और दुल्हन कहती, बीबी कहती है भाई सिलेंडर की व्यवस्था करिए, तो वो कहता है रात भर खेत बचाए कि सिलेंडर लेके आए, बड़ा विकास हुआ है। आप नाराज है? नाराज नहीं है, हम विकास से खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, ये समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर जितने जिले हैं सारों जिले में, सारे जिलों में उनका बीजेपी का ए क्लास का बीजेपी कार्यालय बन गया है। आज तक कोई ऐसी पार्टी भारत के देश में नहीं आई। नेता जी के साथ बैठे हैं, कहीं सफाई तो नहीं है? अब ये आप अगर हम सब हमें लग रहा है इनके साथ बैठे हैं थोड़ा थोड़ा असर है ये चीज नहीं। अगर हम सच बात कह रहे हैं तो आप इसको अगर समाजवादी समझ लीजिए, चाहे कांग्रेस समझ लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने कहा सब हंसने लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब आप जनता का मूड देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता का वो हाल है कि 70 साल पहले जो हुआ करता था उससे बदतर हालत है आज देश का, जिस जगह पर योगी और मोदी ने पहुंचा दिया है उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, युवा हो आप लोग जी, और बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है जी, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने साफ सुथरी तरीके से 5-6 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दे दी हैं। सबसे पहले नाम बताइए, करते क्या है, और जो मेरा सवाल है इस सवाल पर सच कौन बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है सरकार जी? हमारा नाम एसएम सिंह और उत्तम सिंह है, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, 22 बीघे खेती है। कौन पसंद है आपको, योगी जी पसंद है, अखिलेश पसंद है, मोदी जी पसंद है? पसंद तो योगी जी थे लेकिन अब अखिलेश जी पसंद है। अरे पहले क्यों पसंद थे योगी जी और अब क्यों नहीं पसंद है? उनसे बहुत उम्मीदें थी, हर बार 5 लाख 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, लेकिन वो सब उनका हवा में ही रह गया। अच्छा जी, तो ये कल कांग्रेस ने भी तो कहा है कि हम इस बार युवाओं को नौकरी दे देंगे, जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको पैसा नहीं पड़ेगा, किराया नहीं लगेगा। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं, कांग्रेस वांग्रेस कहीं है नहीं। और जो इस समय अगर कोई अखिलेश अगर कोई टक्कर दे सकता है तो बीजेपी सरकार को टक्कर देने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है, आप मुझे लग रहा है मैं गलत जगह बैठा हुआ हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अखिलेश यादव कह रहे हैं। सफाई कहीं ये वो मीडिया तो नहीं है, मोदी जी वाली मीडिया? अरे नहीं भाई, देखिए भाई साहब कुछ कह रहे हैं, आपके गाँव के हैं इनसे भी जान लेना, ये सब 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 ऐसा है। बात सुनो, यहाँ सब पूरी जनता खुश है, ये कहने के लिए किसी को कहते खुश है योगीनाथ से? तो ये तो कह रहे हैं कि हम नहीं खुश है, नहीं, नहीं, ये कहना महीने में 2 बार गल्ला ले रहे, खा ले रहे, बेच रहे, हर आदमी हर चीज गैया सहार के, मोदी जो भी छोड़ा है रहा, हम ही छोड़े थे सब लोग, क्या छोड़ा होगा बताओ बताओ, जिसको कि 60 साला पेंशन डबल हो गई, हैदरगढ़ से अगर दिनेश रावत को टिकट मिलता तो देख लेना 50-60 हजार। नेताजी काहे नाराज है, ये नेताजी नाराज को दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पैसे से वकील हूँ और एक अपने समाज में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं वो राजनीतिक पार्टियां नहीं बची हैं, और वास्तव में इनको जो है खत्म कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ददुआ और कलुआ की फैक्ट्री हो गई है, उनके गैंग हो गए हैं। मतलब ददुआ के गैंग में थे तो कलुआ के गैंग पे हम बंदूक चला रहे थे, और कलुआ के गैंग में आए तो ददुआ के ऊपर बंदूक चला रहे हैं। कैसे कह रहे हैं ये बात आप? इसलिए कह रहा हूँ कि जो जिस नेता को हम चुन के भेजते हैं कि ये सपा का है और ये अच्छा काम करेगा, तो 5 साल तो मलाई खाएगा और उसके बाद में वो जो है भाजपा में चला जाएगा, और यही हाल जो है बीजेपी का होता है, यही हाल सपा का होता है, सबका होता है। किससे खुश हैं आप? क्योंकि सब तो यहाँ बता रहे हैं कि हम योगी जी से खुश हैं, कुछ लोग जैसे भाई साहब बता रहे थे योगी जी से खुश हैं। हकीकत ये है कि हमारे हिसाब से इस समय राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से सभी भ्रष्ट है, और हम लोगों को जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए, और जो बुद्धिमान हो जो अपना नेता और अपना राजा चुने वो अच्छा चुने। क्या कह रहे थे दिनेश रावत?
तो हम ये कह रहे हैं कि जब पुआल फूंकने पर मुकदमा लिखा जाता था किसानों के ऊपर, तो क्या सार छोड़ने वालों के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा सकता था? कह रहे सार भी तो आप पे कहा है। अगर मुकदमा लिखा जाता है, कहाँ लिखा जा रहा है? बाद में खत्म क्यों किए गए मुकदमे? अब कोरोना काल में लोगों को भैया गर्म नहीं, गर्म नहीं, गर्म नहीं, आराम से ठंडे से। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, चुनाव है वोट, ये लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से। हाँ, केवल एक आदमी जिसे गैया हमारे पास, पहले तो दूर चलो, दूर चलो आप सब लोग, कोरोना है, दूर चलो, दूर चलो, दूरी बनाओ और दूरी बनाओ। नहीं नहीं, पहले दूरी बनाओ, नहीं मैं बातें नहीं करूंगा, पहले दूरी बनाओ, दूर बनाओ, दूरी बनाओ। कोरोना ने देखो क्या क्या कर दिया, और सब इकट्ठा हो, दूर चलो भैया, दूर चलो। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लड़ रहे हैं या कोई बात है, मगर ये है कि हर व्यक्ति, हर जनता परेशान तो कह रही अपने आप परेशान है, मगर लाइन लगा के 2000 रुपया लेना है तो बहुत बढ़िया है, राशन 3 बार मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है, पर खाली गैया चल रही, गैया चल रही तो हाँ, गैया मोदी छोड़ा आ रहा, जो भी छोड़ा आ रहा गैया। इनकी बात का जवाब मैं आऊंगा बाद में आऊंगा, और आइए अंदर चलते हैं। दरअसल जहाँ ये लोग चाय पीते हैं, तो चाय कैसे पकती है वो भी जानना जरूरी है। चाचा कब से चाय बना रहे हैं, कब से दुकान है? हम लोग का दुकान जो है, हाँ, 18 से यहाँ पे, 18 से चाय है। तो मैंने भी देखा कि बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो चुनाव उनाव को लेकर बतिया रहे हैं, कोई कह रहे हैं सपा, कोई कह रहा है योगी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। आप तो सारा दिन यहाँ बैठते हैं ना, तो क्या सुनने में मिलता यहाँ पे? हाँ, हम लोग किसका सपोर्ट करें? हाँ, हम लोग सपने हैं, दिन भाजपा में है। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि सपा ये कुछ बैठे थे, कुछ लोग यहाँ बैठे थे आपके गांव के, वो कह रहे हैं कि रात भर हम गैया हाँ कर रहे हैं, भैंसी हाँ कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा यहाँ भाजपा का चुनाव है, ज्यादा जी दोनों का बोलबाला है यहाँ पे, जो जो आता है अपना अपना, जो समाजवादी वाले भी अपना बोलते हैं हम लोग आगे हैं, भाजपा वाले कहते हैं हम आगे हैं, यही होता है। अच्छा, तो आप देख लीजिए कि ये माहौल है यहाँ पर, और भी लोग हैं बहुत से लोग, क्योंकि अब यहाँ पे जो पब्लिक है वो इकट्ठा हो गई है, क्योंकि भैया चुनाव का माहौल है। नेता जी से मैंने बात नहीं की, चाचा अब मैं आपसे बात करता हूँ, दिखाओ भाई, चाचा को दिखाओ। हाँ, ये क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं कि सब बुराई करते हैं, लेकिन जब पैसा लेना रहता तो लाइन लगा लेते। देखिए, चुनाव करीब आ गया है, चुनाव की चर्चाएं चौराहे पर, दुकानों पर जारी है, और जो इनका संकल्प पत्र था बीजेपी का, इन्होंने अपने संकल्प पत्र का कोई काम पूरा नहीं किया है, टोटल काम अधूरे ही छोड़ दिया है, पिछली सरकार के किए हुए काम अपने काम को गिना रहे हैं। इसी कोठी चौराहे में जो समाजवादी पार्टी ने, आज समाजवादी पार्टी के सरकार का बना हुआ अस्पताल है, बिजली घर भी बना हुआ है, और चाहे वो जो है कि BSNL का वो लगा हो, जितने ज्यादा काम किए गए हैं वो समाजवादी सरकार में किए गए हुए हैं। लखनऊ से लेकर के सुब्याहा तक जितने भी गोमती नदी पर पुल बने हुए हैं, सब समाजवादी पार्टी के समय के बने हुए हैं। भैया हल्ला नहीं आराम से। हाँ, और इस चीज को जान चुकी है जनता अब कि आने वाले समय में अखिलेश की सरकार बनेगी, इसीलिए जनता ठीक है। अच्छा, ये बताओ चचा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत काम यहाँ पे हुआ है, योगी जी वाला कौन है भाई? हाँ, क्यों? ये चचा कह रहे हैं कि सपा सरकार में यहाँ बहुत काम वाम हुआ है। हुआ होगा, इनकी नजरों में हुआ होगा, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो देख लीजिए। मैं इनसे पूछना, चार पांच हाईवे वर्तमान विधायक आपके पूछेंगे, क्यों नहीं पूछूंगा? मैं जनता हूँ, मैंने वोट दी है, मुझे पूछने का पूरा हक है। पांच साल में एक विकास कार्य बताकर दिखाएं, 5 साल में एक विकास कार्य किया हो हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, मैं वोट दूंगा खुल के बीजेपी को। लेकिन अगर एक क्या भैया काम बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य काशी निर्माण जारी है, उसके बाद चार हाईवे बनवा दिए, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है,
4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यूपी में हो गए हैं, ठीक है। पिंसने गरीबों की पिंसने जो 60 साल पिंसने थी भाई साहब, वो डबल हो गई है पिंसने, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो रहा। 500 रुपया पेंशन आता था, 1000 पेंशन आने लगा है श्रम कार्ड के जरिए भाई साहब, गल्ला मिल रहा है। एक करके महीने में दूर चलो, तुम लोग बात रहो दूर चलो भाई, ये देखो ठीक है। देखिए जगह बनाइए, पहले जगह बनाइए जगह बनाइए सब लोग। हाँ क्या कह रहे थे 500 रुपया पेंशन आता था, आज 1000 पेंशन आने लगा। महीने में दो बार गल्ला आता है, मैं फ्री मिलता है। अखिलेश सरकार ने कभी 2000 रुपया नहीं दिया था। ठीक है तो माहौल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इसीलिए नहीं कहा जाता है कि चुनाव बड़ा आसान है, चुनाव बड़ा छोटा है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है, इस चुनाव के जरिए केंद्र की राजनीति तय की जाती है। लेकिन सबसे आम बात है, पीछे देखना, सबसे आम बात यह है कि अभी हल्की सी चर्चा शुरू ही हुई थी तो यहाँ पर जो राजनीति है वो गर्म हो गई है, इस चाय से भी ज्यादा। और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, ये तो पब्लिक हो गई, थोड़ी देर में यहाँ पे बवाल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, आइए और लोगों से बात की जाए। चाचा, चुनाव है उत्तर प्रदेश का, किसानों की समस्याएं हैदरगढ़ में सुलझी, बिजली की समस्या हैदरगढ़ में सुलझी, बाराबंकी में सुलझी या नहीं सुलझी? अब हम इसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। आपको लगता है मौजूदा सरकार ने काम किया? काम आम तो ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। आप नहीं सर, क्या करते हैं, क्या नाम है? तो खेती करते हैं। तो किसान हैं आप, तो जो सरकार कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा किसानों को भुगतान किया गया, गन्ना हमने बहुत ज्यादा, गेहूं हमने बहुत ज्यादा खरीद लिया है, इस सरकार में बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। किसान का कोई फायदा नहीं इससे, ये गवर्नमेंट से साढ़ों से परेशान है जनता, और सब खूटा तार लगाते हैं, सब बेचर जाता है, इससे क्या फायदा है, ये गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आना चाहिए, तो थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो मौजूदा सरकार से देखी जा रही है लोगों की, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं कि इस सरकार में किसानों के लिए बेहतर काम हुआ है। सर क्या करते हैं आप? टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं। शिक्षा का स्तर, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं तो मैं आपसे शिक्षा के बारे में ही पूछूंगा। सर मैं आ रहा हूँ अभी, पहले इनसे पूछ ले, शिक्षक है ये सबको सिखाते हैं, इनसे तो सीख ले हम। शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में बेहतर हुआ? पहले से बेहतर हुआ। पहले कहा जाता था कि टीचर आते नहीं है स्कूल। नहीं, अब टीचर आते हैं, मेहनत भी करते हैं, बंद है, आज भी टीचर बैठे हैं स्कूल। नहीं, अब तो कोरोना की वजह से बंद है ना, मगर फिर भी टीचर स्कूल, कोरोना में कहाँ स्कूल खुलवा देंगे। नहीं, इस समय वैक्सीनेशन हो रहा है, इसलिए जो है कॉलेज खोला गया है और बच्चे आते हैं, वैक्सीनेशन भी होता है, इसलिए जो है टीचरों को बुलाया जा रहा है, और ये ठीक है, ये गलत नहीं है। वैक्सीनेशन पूर्णतया होना है तो कैसे होगा? सही बात, वैक्सीनेशन के लिए तो विद्यालय खोलना पड़ेगा ना, तो टीचर आते हैं और वैक्सीनेशन होता है। मतलब स्थिति शिक्षा की जो थी प्राथमिक विद्यालयों की थी वो बेहतर हुई है? प्राथमिक विद्यालयों की बेहतर हुई है, माध्यमिक विद्यालयों की भी शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। आपके बच्चे भी जाते पढ़ने? क्या सर, 4-4 बच्चे आते, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हर चीज सुविधा बढ़िया है सर। मार करने लगे? नहीं, मार करने क्या है, जब हम 10 जने हैं तो थोड़ा अब वही दिखाओ जैसे दिखाना है जो कुछ। नहीं, वो कह रहे कि सपा सपा सपा, सपा वो कुछ नहीं, कहीं नाम निशान नहीं है बीजेपी के अलावा, क्लियर बात है। चार बच्चे पढ़ाने प्राथमिक विद्यालय में बात कर रहे हैं आप, इनके बच्चे बाल विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, डेली लेकर आते हैं छोड़ने है। और बात वहाँ की कर रहे हैं, वहाँ इनके यहाँ स्वर घूमते हैं विद्यालय में। हमारे यहाँ बाउंड्री जाके देखो, जाकर वो कुछ भी, हम वो तो हवा के लिए बनवा रखे हैं, वो हवा के लिए बनवाए हैं। ठीक है। चाचा क्या माहौल है? माहौल तो समाजवादी का है नंबर वन। आप सब, मैं क्या गलत गांव में आ गया हूँ? सब समाजवादी, नहीं समाजवादी वाले हैं हम और समाजवादी वाले में रहेंगे हम। भाई इसमें जो गलत कोई कहे तो वो मैं नहीं मानता हूँ। तो योगी जी के काम से खुश नहीं क्या? योगी जी से काम से देखिए, वो काम इतना काम की ना कि विकलांगन का पेंशन कर दी दूनी, सुने जाओ। अब उसके बाद में, और जो 80% मेरा था
तो मेरा हो गया 75%। ये बताइए कितनी गलत बात है ये सर, क्या कह रहे थे है? अब इनका कहीं हो गया होगा ऐसा कोई जानकारी नहीं है। 80% और दिखा दे हम 75 कर दिया गया है। 75 कैसे कर देंगे, ऐसे जबरदस्ती कर देंगे क्या? नहीं दिखा दे हम, हम नहीं मानने को तैयार नहीं है। हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी, हमने खरीदा है गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदी है, कैसे हो जाएगा तो हमने बताइए कैसे क्या। तो सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन और हर आदमी अपनी समस्या का निवारण चाहता है कि क्या बात करी जाए, क्या रखा जाए, क्या समझा जाए। लेकिन माहौल बड़ा अच्छा है चुनावों को लेकर के। देखिए जाड़ा जो है वो लगातार राजधानी में बढ़ रहा है। आज सुबेरे से पानी बरस रहा था और जाड़े के बाद कौड़ा होता है, लकड़ी वाला कौड़ा। जाड़े में लोग कौड़ा जला के बैठते हैं, तापते हैं, जाड़ा भगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी कौड़ा जलाया जा रहा है और कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे। भाई साहब क्या करते हैं दादा आप? कुछ नहीं, बैठे हैं मजदूरी के। अच्छा, ये स्थिति कैसी लग रही, क्या समस्या का निवारण हुआ मौजूदा सरकार? इसके मामले में कुछ मुझे पता नहीं, अपने अपने काम से लगते काम। क्या माहौल है? माहौल सब ठीक ही है, बढ़िया चल रहा है माहौल है वैसा ठीक है। काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? हाँ काम हम सब बढ़िया चल रहा है भाई साहब। काम वाम सब बढ़िया? हाँ सब ठीक ही ठाक है। इधर सब नाराज चल रहे हैं कुछ लोग? अरे तो पब्लिक आई है, मैं नाराज क्या, जिसको जो करना करे, पब्लिक कहाँ को देख सकता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो जिसको जो करना है। स्थिति बेहतर चल रही है? हाँ स्थिति सब ठीक ठाक है। पहले से? पहले से क्या, काम धंधा ऐसे डाउन चल रहा है, इसमें पहले से क्या बेहतर चल रहा है। स्थिति कैसी है भाई, क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या करते हैं आप? तो युवा है, बीजेपी को वोट देंगे इस बार? योगी जी को? योगी जी, योगी जी मुख्यमंत्री चाहिए? हाँ फिर से योगी जी। अच्छा काम किए हैं योगी जी? काम किए हैं, बढ़िया बढ़िया काम किया। विकास विकास हुआ है यहाँ? विकास तो हुआ है तभी तो वोट देंगे। नौकरी उकरी का क्या सीन रहा? नौकरी देते हैं लेकिन पढ़ाई करोगे नौकरी मिलेगी? हाँ, ये लोग कह रहे नौकरी नहीं मिली, उधर कह रहे कुछ तो। वो जो कहने दो, लोग से क्या मतलब, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और मांग रहे नौकरी। हाँ कहाँ मिलेगी, योग्य नहीं है वो। ऐसा है कि जब कोई वैकेंसी नहीं आएगी हम लोग क्या योगी जी के घर में फॉर्म डाले? आप ये योग्य नहीं है कह रहे, योग्य नहीं है? कहाँ योग्य नहीं है, योग्य है। कोई फॉर्म ही डाले, पूछिए इनसे, कोई फॉर्म डाले? साथ में पड़े हुए हैं, रेलवे में पड़ा फॉर्म। रेलवे में कहाँ पर गया? रेलवे ग्रुप डी में पड़ा हाँ पड़ा। कौन सी नौकरी में पड़ा? ग्रुप डी में पड़ा। क्या मिल गया, कुछ मिला 5 साल में? जब पढ़ो, ये तो कह रहे पढ़ोगे नहीं तो कहाँ नौकरी मिले। ऐसा है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बीएससी स्टूडेंट हूँ। मैं अपने जोर तर्रार से पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यूपीपी की तैयारी करना चाहता था, इंडियन आर्मी की तैयारी करना था। आज 2-3 साल हो गए हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अगर आप आ रही कि नहीं आ रही है? वैकेंसी आ रही है क्या? वैकेंसी आ रही है, कंप्यूटर में लिख कर आ रही है वैकेंसी आ रही, लेकिन पेपर लीक करवा दिया जा रहा है, वैकेंसी बेकार हो जा रही है। चाचा ये बोल रहे महोदय, मैं आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चाचा आप बुजुर्ग मुझे सबसे यहाँ पे दिखाई दिए, अनुभवी हैं, प्लीज शांत रहिए आप लोग, अनुभवी हैं आप। अनुभव क्या बोल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की हवा जो है, बयार जो है किधर है? बयार वो लाल टोपी ज्यादा दिखाई दे रही है, पता नहीं कौन सा बयार चलेगा, पूरब चलेगा पश्चिम चलेगा। यहाँ कुछ आपके गांव वाले कह रहे हैं कि वो रात भर वो भैंसी हाँक रहे हैं, सांड हाँक रहे हैं खेत में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें इनका देन है, ऊपर वाले की देन है, चरे दो, उससे तो समस्या नहीं होनी चाहिए इन्हें। तो ये तो जनता को उसको समझना चाहिए, शासन को। अरे अगर मुल्क के बादशाह में फितरत आती है तो मुल्क बर्बाद होता है। अगर एक बादशाह बैठा है, एक आदमी भूखा मर रहा है तो उसके ऊपर गुना पड़ता है, तो उसको सुधारना चाहिए अपने को। अब उनके लिए गौशाला बना दे साले का बड़ा, कोई फार्म हाउस खोल दे उसके जिम्मा। तो रहे गौशालाएं बहुत सारी बनाई है, लेकिन उमा तो सब मरे जा रहे पेपर। जो बात है वो सही है और जनता जिस पे डिपेंड करती है वो होता है, समझ रहे। लेकिन जो चीज दिखाई दे रही अब किला, वो जनता सब जान रही है अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो हमारी उम्र में किसी को बुराई करना नहीं, ठीक है, योगी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, अखिलेश ठीक है, राहुल ठीक है, सब ठीक है। हम बुरा किसको कहें? हम बुरा कहने का कोई हक नहीं, सबका सम्मान अलग अलग है। लेकिन आप लोग मीडिया वाले हैं, लेकिन आप लोग भी सही समझते हैं। नहीं मैं बिल्कुल उसी को समझने ही आया था। हाँ लेकिन उससे ज्यादा जनता समझदार है ना आप? जी बिल्कुल सर, जनता हमेशा समझदार है। तो जनता बहुत समझदार है और अपनी समझदारी के ही बल पे इस बार भी वो वोट देगी। हम इस वक्त हैदरगढ़ की विधान बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा सीट पे थे,
यहाँ के समीकरण की बात करी जाए तो मैं करीब 40-50 मीटर चला हूँ और वहाँ से यहाँ तक जो असर है वो मिला जुला देखने को मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, कुछ लोग कह रहे हैं बहुजन बीजेपी, मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। फिलहाल चुनावों की तारीख करीब है, जल्द ही वोटिंग भी होगी इस सीट पर भी और नतीजा 10 मार्च को आ जाएगा। देखना ही होगा कि आखिर स्थिति किधर पलटती है, पासा किसका सही चलता है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।